हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये गला मैंने कटिंग किया है, ये गला पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो मैंने ये गला कटिंग करने के बाद अब इसकी मैं कटाई कर लेता हूँ चारों तरफ से। ये मैंने कटाई कर ली इसकी। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने के बाद इसके ऊपर मैं गला चिपकाऊँगा ऐसे, इस तरह से। इसका ब्रॉड है दोस्तों 6 इंच के आसपास, तो 6 इंच इसका ब्रॉड है, उसके हिसाब से मुझे आराम से सिलाई लगानी है। और यहाँ ब्रॉड एक बार दोबारा चेक कर लेना है कि ब्रॉड ज़्यादा या कम ना हो। ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये चारों तरफ से इस तरह से ऐसे कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे। ये मैंने फोल्ड कर दिया दोस्तों। अब ये सूट का पीछे का गला है, तो मैंने पीछे का ये पल्ला उठाया और यहाँ मैं इसको निशान लगा लेता हूँ। जो बीच सेंटर है हमारा, उस पर निशान लगा लिया मैंने। निशान लगाने के बाद ये मैं गले का जो ये जो मैंने चिपकाया था उसको मैं ऐसे फोल्ड करके एक कुटका लगा लेता हूँ बीच सेंटर का, जिसे हमें चिपकाने में आसानी रहेगी। तो सेंटर से कुटके से कुटका मिलाया और मैंने ऐसे 20 ये निशान पर जो 20 सेंटर था वो मिलाकर एक सिलाई लगा ली। इसको यहाँ से पक्का कर लिया जिससे गला हमारा इधर उधर भागेगा नहीं। अब यहाँ से मैं एक सिलाई स्टार्ट करता हूँ और चारों तरफ, गले के चारों तरफ सिलाई लगा दूँगा किनारे पर। बुकरम का जो किनारा होता है ना, किनारे किनारे पर बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई चढ़नी नहीं चाहिए। तो हमें गला सेट करके, गला हमारा इधर उधर भागे नहीं, उसके हिसाब से सेट करते और सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगा ली दोस्तों, अब मैं इसको चारों तरफ से कटिंग कर देता हूँ। ये मैंने कटिंग कर दिया और कटिंग करने के बाद ही हल्के से कट लगा देता हूँ जिससे हमारा गला पलट जाए। अगर ये कट नहीं लगाएंगे तो हमारा गला पलटता नहीं है। ये मैंने कट लगा दिया। अब जो मैंने आगे जो सूट का फ्रंट होता है ना, फ्रंट का मैंने गला पहले से ऑलरेडी बना रखा है। अब मैं कंधी जोड़ना बताऊंगा मैं आपको। कंधी इस तरह से आप जोड़ेंगे तो सफाई से कंधी जुड़ती है। इसमें हल्के से मोती हैं, वो मैं मोती में निकाल देता हूं कि मोती के ऊपर अगर सुई लगी तो सुई टूट जाएगी। तो मोती को हल्का निकालने के बाद और मैं कंधी को इस तरह से मैं जोड़ देता हूँ ऐसे। जो पीछे का गला है उस पर पहले लपकी सिलाई नहीं लगानी होती, पहले कंधी जोड़ने के बाद उसके बाद सिलाई लगानी होती है। तो हमारी जो कंधी है वो सफाई से पलट जाती है। मैं दोबारा एक सिलाई और लगा लेता हूँ, डबल सिलाई कर देता हूँ। अब सिलाई करने के बाद दोस्तों इस पर ओवरलॉक कर लेता हूँ कंधी पर, क्योंकि कंधी पर पहले अगर ओवरलॉक कर लेते हैं तो वो आराम से ओवरलॉक हो जाती है। अभी ओवरलॉक करने के बाद इसको पलट के अब पीछे के गले पर मैं लपकी सिलाई, किनारे की सिलाई जिसको बोलते हैं, वो मैंने लगाता हूँ। किनारे की सिलाई लगाते समय सिलाई को थोड़ा बारीक कर लें और आराम से किनारे पर सिलाई लगाएं। अभी जो मैंने कंधी जोड़कर मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से कंधी जोड़ेंगे आप तो सफाई से फोल्ड होती है और पता नहीं चलता कि कंधी हमारा, कंधी का जो मार्जिन है वो बाहर दिखाई नहीं देता है। अब इस पर आपकी तुरपाई हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सर।